أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एंग्लो उर्दू हाई स्कूल उर्दू मीडियम से बोरनिया सुहेल अहमद आपकी ख़िदमत में जमात 11 मज़मून अरबी सबक नंबर 13 जिसका नाम है अल इख्तिबारु किस्त 2 लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज तारीख़ है 16 अक्टूबर साल 2020। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि इस सबक के अंदर इस सबक की पहली किस्त में हमने इस सबक के अल्फाज मानी सीखे थे और सबक के नाम पर भी कुछ बातचीत की थी कि सबक का नाम अल इख्तिबारु क्यों रखा गया है, दोबारा अहद ज़हनी के लिए आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ कि अल इख्तिबार का माना होता है सालाना इम्तिहान। तो आज हम इस सबक की इबारत और उसका तर्जमा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हल करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं आज की हमारी इस किस्त 2 की तरफ, उसका आगाज़ करते हैं इबारत और उसके तर्जमे से। इबारत हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। सबसे पहला जुमला जो है अल मुदर्रिसु अम्मा ततसाअलूना अंतुम अबनाई, तर्जमा होगा उस्ताद ने कहा ए मेरे बच्चों या ए मेरे बेटो, तुम किस चीज़ के मुतालिक आपस में सवाल कर रहे हो। अम्मा यानि किसी चीज़ के मुतालिक, उस्ताद ने क्या कहा, ए मेरे बेटो आप किस चीज़ के मुतालिक आपस में बातचीत कर रहे हो। हामिदुन नतसाअलु अनिल इख्तिबारी कैफ यकूनु असहलतुन तकूनु अल असइलतु फीहा अम सअबतुन अनस्ततीउ अन ननजह बितकदीरिन मुमताज़िन अमला। तर्जमा होगा हामिद ने कहा हम इम्तिहान के सवालात के बारे में बातचीत कर रहे हैं, यानि इम्तिहान के बारे में बात कर रहे हैं, कैफ यकूनु वो कैसा होगा, उसके सवाल आसान होंगे या मुश्किल। असहलतुन तकूनुल असइलतु फीहा अम सअबतुन, उसका माना होगा उसके सवाल आसान होंगे या मुश्किल। अम सअबतुन यानि मुश्किल, क्या हम इस इम्तिहान में आला नंबरात से कामयाब होने की ताकत रखते हैं या नहीं। अल मुदर्रिसु इत्मइन्नु या अबनाई सतकूनुल इम्तिहानु सहलन इंशाअल्लाह, राजिउद्दुरूस
وتعاونوا ولا تتكاسلوا. क्या कहा उस्ताद ने? उस्ताद ने कहा, ए मेरे बेटो, आप इत्मीनान रखिए, इम्तिहान इंशाअल्लाह आसान होगा. और क्या फरमाया आगे? राजिउद्दुरूस, आप पिछले असबाक का दौर करो, यानि उनका रिवीजन करो. वतआवनू, और एक दूसरे की मदद करो. वला ततकासलू, और सुस्ती मत करो. मनोज ये नाम है लड़के का, जिसे हम कहते हैं मनोज, उसे अरबी में कहेंगे मनोज. नहनु खाइफून या उस्तादु, कज़ैन सनत कुल्लहा फिल लहवी वल लईबी, या लैतना इज्तहिदना तिवाल अल आमी कमा नज्तहिदु अल आना قُبَيْلَ الْإِمْتِحَانِ. یہ لفظ قُبَيْل جو ہے یہ یہاں پر قاف کے اوپر پیش برابر ہے، با کے اوپر زبر ہونا چاہیے اور یا کے اوپر جزم. یہ ٹائپنگ مسٹیک کے ہونے کی وجہ سے زبر یا کے اوپر زبر آ گیا ہے اور با کے اوپر جزم آ گیا ہے. آپ اس عبارت کو جب اپنی کتاب اپنی نوٹ بک میں لکھے، اس وقت با کے اوپر زبر لکھے اور یا کے اوپر جزم لکھے، اور اس لفظ کو پڑھیں گے قُبَيْل. جی، منوج نے جو بات کہی اس کا ترجمہ کرتے ہیں. منوج نے کہا، اے استاد، ہم ڈرتے ہیں. نَحْنُ خَائِفُونَ، ہم ڈرتے ہیں. قَضَيْنَ السَّنَةَ كُلَّهَا فِي اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ، ہم نے پورا سال کھیل کود میں گزارا. ہم نے پورا سال کھیل کود میں گزارا. يَا لَيْتَنَا اِجْتَهِدْنَا طِوَالَ الْعَامِ، کاش کہ ہم پورا سال محنت کرتے. کاش کہ ہم پورا سال محنت کرتے. کما نجتہد الان قبیل الامتحان، جیسا کہ ہم امتحان کے وقت ابھی محنت کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم امتحان کے پہلے پہلے ابھی محنت کر رہے ہیں. یہی حال تمام طلبہ کا ہے کہ پورا سال تو کھیل کود لہو لعب میں گزارتے ہیں، نہ نوٹ بک کمپلیٹ ہوتی ہے، نہ عبارت صحیح سے پڑھ پاتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سوالات یاد کرتے ہیں، اور جب امتحان آتا ہے اس وقت ٹینشن لیے پھرتے ہیں کہ امتحان سر پر آ چکا ہے، ہمیں کچھ آتا نہیں ہے. تو یہ کہنا غلط ہے کہ کچھ آتا نہیں. جس وقت آپ کو وقت ملا تھا یاد کرنے کا، اس میں آپ نے جو کام نہیں کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ کام سر پر آ پہنچے گا تو فکر مند ضرور ہوگا انسان، اور جلد بازی کے اندر بہت کم یاد کرے گا اور بہت کچھ چھوڑ جائے گا یا چھٹ جائے گا. اسی طرح ہماری دنیا کی زندگی، یہ ہماری کلاس روم سمجھو اسے. اس زندگی کے اندر ہم نے ہمارے آنے والے یعنی آخرت کے امتحان کی تیاری کرنی ہے. یہاں پر اچھی طرح سے تیاری کر لی، جب امتحان آئے گا تو ہر سوال کا جواب آسانی سے ہمارے لیے تیار ہوگا. اور اگر یہاں پر نافرمانی، والدین کی نافرمانی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزاری، تو اس امتحان میں کامیاب ہونا مشکل ہے.
रुकावटें आएगी, ख़ास तौर पर अज़ीज़ तलबा व तालिबात, और तलबा व तालिबात में ख़ास तौर पर तलबा को यानि बॉयज़ को मैं कहता हूँ, अपने माँ बाप की कदर करो। ये वो नेमत है जो जाने के बाद दोबारा हाथ नहीं आती, और इसकी कदर उस वक्त मालूम होती है जब ये हमारे पास नहीं होते। इसलिए इन दो नेमतों की खूब कदर कर लो और उन्हें इतना खुश करो कि ये तुमसे राज़ी हो जाए। माँ बाप जिनसे राज़ी होंगे अल्लाह ताला उनसे राज़ी होता है। कितना आसान तरीका है, माँ बाप को राज़ी करो, दोनों जहाँ का मालिक तुमसे राज़ी हो जाएगा। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमें भी दुनियावी इम्तिहान हो या उखरवी इम्तिहान हो, उसकी तैयारी वक्त से पहले कर लेनी चाहिए। फिर कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी मनोज की तरह कहना पड़े कि नहनु खाइफून या उस्ताद क़दैना सनत कुल्लहा फिल लहवी वल लईबी या लैतना इज्तहदना तिवाल अल आमी कमा नजतहिदुल आन क़ुबैलल इम्तिहानी। ये जुमला है, बज़ाहिर एक किताब का छोटा सा जुमला है, लेकिन जुमला बहुत कुछ समझा देता है हमें। तो आप भी इम्तिहान से पहले इम्तिहान की तैयारी करो। अनकरीब तुम्हारे इम्तिहान आने वाले हैं, इसी महीने के यानि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में तारीख है 27 और 28, इन दो दिनों में आपके इम्तिहान होंगे। आप उसकी तैयारी कर लें। आपके आपको मैसेज के ज़रिए आपका टाइम टेबल भी भेज दिया गया है गुज़िश्ता कल, आप उसे देख ले और उस एतबार से तैयारी शुरू कर दे। और कहीं पर भी रुकावट हो तो अपने सब्जेक्ट टीचर से राबता करें फौरन बिला झिझक, और अपने इम्तिहान की तैयारी शुरू कर दे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाअल्लाह मिलते हैं आइंदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।